नमस्कार दोस्तों, पीएलसी आरडीएचएम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ असिस्टेंट लोको पायलट के CBT2 एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका प्रश्नों का भाग 5 लेके आया हूँ आज। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो दोस्त पहली बार जुड़ रहा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और साथ में उसे शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना दोस्तों, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, जो रेड कलर का बटन है उसके प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो चलते हैं बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चनों की ओर। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर की आवृत्ति का गणना सूत्र होता है। तो दोस्तों, अल्टरनेटर की आवृत्ति का गणना सूत्र होता है एफ बराबर PN बटे 120। जो इसमें बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के एटर DC सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति कहलाती है। तो दोस्तों, जो अल्टरनेटर होता है उसके एटर DC सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति को एक्साइटर बोलते हैं। इसमें सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े आकार के अल्टरनेटर्स में चुंबकीय क्षेत्र को रखा जाता है। तो दोस्तों, जो बड़े आकार के अल्टरनेटर होते हैं उनमें चुंबकीय क्षेत्र को ध्रुवणीय क्षेत्र में रखा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र को ध्रुवणीय तथा आर्मेचर को स्थिर रखने का लाभ यह है कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल को बिना स्लिप रिंग्स आदि के सीधे ही लोड को प्रदान किया जा सकता है। जो दोस्तों, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णन तथा आर्मेचर के को स्थिर रखने के लिए जो लाभ होता है उसमें क्या है कि दोस्तों, उत्पन्न विद्युत वाहक बल को बिना स्लिप रिंग आदि के सीधे ही लोड को प्रदान किया जा सकता है। जो ये डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलनाकार रोटर के साथ सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला प्रादुम मूवर होता है। तो दोस्तों, जो बेलनाकार रोटर होता है उसके साथ प्रयोग किया जाने वाला प्रादुम मूवर उच्च घूर्णन गति वाला होता है। जो बी ऑप्शन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मान्य फेज कम है। जो भारत में मान्य फेज होता है उसका क्रम होता है दोस्तों, जो RYB होता है, जो ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चार पोल्स 1500 RPM वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होगी। तो दोस्तों, जो चार पोल और 1500 RPM वाले अल्टरनेटर होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। जो बी ऑप्शन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना इसको दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। जो आप रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करते ही वो वाइट हो जाएगा और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है। तो दोस्तों, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर निर्भर करती है। जो डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलियंट पोल रोटर का आकार होता है। तो दोस्तों, सेलियंट पोल होता है उसके रोटर का आकार लंबाई कम तथा व्यास अधिक होता है। जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन सूत्र है। तो दोस्तों, अल्टरनेटर है उसका वोल्टता नियमन सूत्र VR बराबर VNL माइनस VFL बटे VFL इंटू 100 होता है दोस्तों। जो ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
दो अल्टरनेटर को समानांतर क्रम में चलाने के लिए आवश्यक शर्त है। तो दोस्तों जो दो अल्टरनेटर होते हैं उनको समानांतर क्रम में चलाने के लिए दोनों मशीनों की टर्मिनल वोल्टता समान हो, दोनों मशीनों की आवृत्ति समान हो और दोनों मशीनों का फेज क्रम समान हो, ये आवश्यक शर्तें होती हैं। जो डी ऑप्शन है दोस्तों इसका राइट आंसर है, यानी कि जो तीनों शर्तें दे रखी है वो अल्टरनेटर को समानांतर क्रम में चलाने के आवश्यक होती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली विधि है। तो दोस्तों अल्टरनेटर है उसके लिए सिंक्रोनस के लिए जो सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली विधि है वो है दोस्तों वो डार्क ब्राइट लैंप विधि है दोस्तों, जो सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर क्रम में संयोजित किया जाने वाला दूसरा अल्टरनेटर कहलाता है। तो दोस्तों दूसरा अल्टरनेटर वो इनकमिंग मशीन कहलाता है, जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर्स को समानांतर क्रम में प्रचालित करने का लाभ है। तो दोस्तों अल्टरनेटर को समानांतर क्रम में प्रचालित करने का लाभ है वो खराब मशीन को मरम्मत हेतु बंद कर सकते हैं और अतिरिक्त लोड सहन किया जा सकता है और विद्युत प्रदाय लाइन में ब्रेकडाउन नहीं होता। जो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन है वो इसके लिए राइट है, इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः उत्तेजक को स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों सामान्य उत्तेजक होता है उसको रोटर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है, जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद्युत वितरण लाइन में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफर डेल्टा स्टार प्रकार के होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर से एकल फेज लाइन प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो विद्युत वितरण लाइन में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफर डेल्टा स्टार प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर से एकल फेज लाइन भी प्राप्त की जा सकती है, जो सी ऑप्शन है राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की क्रोड पत्तियों को मिलाकर बनाई जाती है, जिससे कि जो दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्रोड है जो पत्तियों से मिलकर बनाई जाती है, तो उससे लाभ होता है भंवर धारा क्षति होती है, उसका मान है जो निम्न रहता है, जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली को लपेट निष्पत्ति 1:3 हो और प्राथमिक कुंडलन को 80 वोल्ट प्रदान किए गए हो तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक बार फिर दोहराता हूँ। यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली की लपेट निष्पत्ति होती है जो 1:3 हो और प्राथमिक कुंडली को 80 वोल्ट प्रदान किया जाए तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो दोस्तों जो द्वितीय प्रेरित विद्युत वाहक कुंडली होती है उसमें विद्युत वाहक बल का मान होगा 240 वोल्ट होगा दोस्तों, जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र से विद्युत शक्ति का पारेषण अत्यधिक उच्च एसी वोल्टता पर किया जाता है क्योंकि उच्च वोल्टता पर धारा का मान कम होने के कारण शक्ति ह्रास कम होता है। तो दोस्तों ये जो डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ क्वेश्चन को, विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र से विद्युत शक्ति का पारेषण अत्यधिक उच्च एसी वोल्टता पर किया जाता है तो इससे हमें क्या लाभ होता है दोस्तों, ये लाभ होता है उच्च वोल्टता पर धारा का मान कम होने के कारण जो शक्ति होती है उसका ह्रास कम होता है दोस्तों, हानि कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो दोस्तों निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसको उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में
परिवर्तित करने वाली युक्ति को ऊंचाई ट्रांसफार्मर युक्ति कहते हैं। जो दोस्तों सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रोड के आधार पर वर्गीकृत ट्रांसफार्मर नहीं है। जो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हमको एक ऑप्शन चॉइस करना है। उसमें जो क्रोड के आधार पर वर्गीकृत ट्रांसफार्मर नहीं है वो मेंस ऑप्शन है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। जो बी ऑप्शन में दे रखा है मेंस, वो एक ट्रांसफार्मर का क्रोड के आधार पर वर्गीकृत का प्रकार नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली होती है दोस्तों, तो उनके प्रतिघातों का अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों उनके प्रतिघातों का अनुपात है जो प्रतिघाती अनुपात कहलाता है। जो सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में N1 लपेट तथा द्वितीयक कुंडली में N2 लपेट हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो दोस्तों इनमें से जो कथन है वो N1 जो ये एरो का निशान है वो N1 की ओर है, और इसमें जो फिर बाद में N2 है, यानी कि जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो इसमें इसका राइट आंसर है। तो ये एरो का निशान है दोस्तों N1 में लपेटों की संख्या को जो प्रदर्शित कर रहा है। जो सी ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस विद्युत शक्ति स्थानांतरण कार्य में ट्रांसफार्मर प्रयोग करने का मुख्य लाभ है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति स्थानांतरण कार्य में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करने का मुख्य लाभ होता है, वो मुख्य लाभ है दोस्तों स्थैतिक उपकरण होना, इसका मुख्य लाभ है। जो ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। और दोस्तों अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट बात है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो दोस्तों थ्री फेज ट्रांसफार्मर कुंडलन होता है उनका संयोजन किस प्रकार किया जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। इसमें जो स्टार स्टार प्रकार का जो संयोजन होता है वो उच्च वोल्टता ट्रांसफार्मर में किया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट है स्टार डेल्टा जो संयोजन होता है दोस्तों वो वोल्टता ऊंचाई ट्रांसफार्मर में संयोजित किया जाता है, स्टार डेल्टा वाला संयोजन। और डेल्टा स्टार संयोजन होता है दोस्तों वोल्टता ऊंचाई ट्रांसफार्मर में संयोजित किया जाता है। और नेक्स्ट है डेल्टा डेल्टा जो कुंडलन संयोजन है दोस्तों वो निम्न वोल्टता ट्रांसफार्मर में संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इनको याद रखने का एक तरीका है, स्टार स्टार होता है दोस्तों, स्टार लगता है जो अच्छे जिसकी उच्च क्वालिटी हो उसके ऊपर स्टार लगता है दोस्तों। तो इसमें इसको याद रखना, उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार लगता है। और दोस्तों जो डेल्टा डेल्टा है उसको याद रखने के लिए, निम्न वोल्टेज ट्रांसफार्मर है ये, इसमें जो निम्न वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर है उसमें डेल्टा डेल्टा संयोजन किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट है स्टार इंटर स्टार कुंडलन संयोजन है दोस्तों वो पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। जो स्टार इन स्टार संयोजन है दोस्तों वो पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। और नेक्स्ट और अंतिम है दोस्तों, जो वीवी कुंडलन संयोजन है दोस्तों वो निम्न वोल्टता ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो ये थे कुछ थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कुंडलन संयोजन दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करना और इसे दोस्तों के पास शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित काफ़ी वीडियो आगामी दिनों में आने वाले हैं, और जो CBT 2 की एग्ज़ाम है दोस्तों वो भी बहुत ही जल्दी होने वाली है, क्योंकि CBT 1 जो फर्स्ट लेवल की एग्ज़ाम थी उसका रिजल्ट है जो दोस्तों
नवंबर महीने के फर्स्ट सप्ताह तक आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए आप तैयारी बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।